वेरी गुड मॉर्निंग सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, मैं श्रुति आपके साथ लेकर आ गई हूँ संडे सुपरस्टार। और आज हमारे सुपरस्टार हैं मिस्टर पुष्कर मिश्रा, हु इज एमडी एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड। हेलो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार लखनऊ, मैं पुष्कर मिश्रा एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड से हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा रेड एफएम को, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया एक बार पुनः अपने बीच आने का। ऑल राइट, तो सर सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताइए एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में। एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी जी। हमारा उद्देश्य क्रिएटिंग हेल्दी टुमारो, एक स्वस्थ कल का निर्माण करना है। आज के समय में जो हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई समस्याएं हैं और हमारे घरों की समस्याएं हैं, उनमें से एक प्रमुख है बीमारी। देश में तकरीबन 35-40% लोग आज सीवियर क्रॉनिक डिजीजेस से गुजर रहे हैं, जो कि लाइलाज बीमारियां हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं है और ताउम्र लोगों को दवाइयों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। तो हमारा सिर्फ काम यह है कि लोगों को जागरूक करना कि वो बीमारी का बचाव पहले ही करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यह हम जानते ज़रूर हैं लेकिन हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करते। तो हमारा मकसद है कि हम लोगों को जागरूक करें और जागरूकता ही बीमारियों से हमें बचा सकती है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। तो पुष्कर मिश्रा जी से हमारी बातें जारी रहेंगे। इस बदलते माहौल में अपनी रोजाना चाय की आदत बदलिए एप्लॉम आयुष क्वाथ काढ़े के साथ। इसमें है तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च, जो सर्दी, खांसी और गले की खराश भगाए, इम्यूनिटी बढ़ाए। तो आज ही मंगाएं एप्लॉम का इम्यूनिटी एनहांसिंग आयुष क्वाथ। एप्लॉम हेल्थ केयर, क्रिएटिंग हेल्दी टुमारो। विजिट www.myeplom.com और डाउनलोड एप्लॉम मोबाइल ऐप। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, मैं श्रुति आपके साथ में हूँ। चालू है संडे सुपरस्टार एंड वी हैव टुडे सुपरस्टार इज मिस्टर पुष्कर मिश्रा, जो कि एमडी हैं एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड से। तो पुष्कर सर, अभी हम बात कर रहे थे कि आपके एप्लॉम हेल्थ केयर के बारे में। मैंने सुना है कि कई सारे आपने CSR इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और फाइट अगेंस्ट पॉली बैग्स एंड प्लांटेशन को लेकर के, तो इसके बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। हम लोग समाज में रहते हैं और समाज कैसा होना चाहिए ये हमारे लोगों के व्यवहार से ही निर्धारित तो होगा कि समाज कैसा है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमारा समाज होगा और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है कि जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे साफ सफाई बना के रखे, पर्यावरण का ख्याल रखे और साथ ही साथ में जो भी हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं उनका ध्यान रखे। तो इस क्रम में एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी निरंतर ब्लड डोनेशंस कैंप कर रही है, पेड़ लगाने के अभियान चला रही है, लोगों को पॉलीथीन न इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है, मुहिम चला रही है से नो टू पॉलीथीन। साथ ही साथ में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब सड़क पे चलें तो बेवजह हॉर्न ना बजाएं, छोटे बच्चों को तकलीफ हो सकती है या किसी बुजुर्ग को तकलीफ हो सकती है। जब भी सिग्नल्स पे खड़े हों तो अपनी गाड़ी बंद कर लें क्योंकि एयर पोल्यूशन मेजर कॉज है बीमारियों का जी, वाटर पोल्यूशन मेजर कॉज है बीमारियों का जी, नॉइज पोल्यूशन मेजर कॉज है बीमारियों का। अगर बेसिकली बात करें तो वॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन मेजर कॉज है बीमारियों का। अगर हम ये कम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और हमारा देश और ज़्यादा डेवलप हो सकेगा और ज़्यादा इसका नाम होगा। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। वैसे हमारी बातें जारी रहेंगी। तुलसी कई प्रकार की होती है और हर तुलसी के अपने औषधि गुण होते हैं जो हमें सभी बैक्टीरियल और वायरल रोगों से बचाते हैं। तो आज ही मंगाएं 100% प्राकृतिक तुलसी से बना एप्लॉम तुलसी अर्क, जो है एंटी बैक्टीरियल नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। एप्लॉम हेल्थ केयर, क्रिएटिंग हेल्दी टुमारो। विजिट www.myeplom.com और डाउनलोड एप्लॉम मोबाइल ऐप। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, दिस इज श्रुति एंड यू आर लिसनिंग टू संडे सुपरस्टार। और आज के हमारे सुपरस्टार हैं मिस्टर पुष्कर मिश्रा, हु इज एमडी एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड। तो पुष्कर सर, अभी जैसे आपने सीएसआर इनिशिएटिव्स के बारे में बताया जो आप लोगों ने लिए हैं,
अच्छा, जो पोल्यूशन है और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उस पर आपका क्या कहना है? प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में सभी को पता है कि अगर हमको एयर पोल्यूशन सही करना, सावन के महीने में भगवान शंकर की सब पूजा करते हैं जी। शंकर कैसा, शंकर वो हैं जिन्होंने विष धारण किया अपने कंठ में, इसीलिए उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। पेड़ क्या है? पेड़ साक्षात शंकर का रूप है, जो जितनी जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन प्रत्येक जन के लिए, जीव के लिए रिलीज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में अगर शंकर की पूजा करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति अगर एक पेड़ भी एक साल में लगाने का संकल्प ले ले तो ये धरा वसुंधरा बन जाएगी, हरी भरी रहेगी और यहाँ पे कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जैसे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो कमी नहीं रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से जीवन जी सकेगा। ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है वो है वाटर। प्रत्येक व्यक्ति कभी टैप खोल देता है, कभी नल भूल जाता है बंद करना, या गाड़ी धो रहा है तो वो पाइप बह रहा होता है, गाड़ी साफ करने में लगा रहता है। तो आप पानी बचा सकते हैं, पानी बना नहीं सकते। कोई भी साइंटिस्ट कितना बड़ा भी क्यों ना हो, एक वो एक सिंगल ड्रॉप वाटर वो बना नहीं सकता, वो बचा सकता है। तो ये अगर प्रत्येक व्यक्ति ये जिम्मेवारी ले ले कि नहीं हमें पानी बचाना है, और तो कभी भी आगे आने वाली जनरेशन इनसिक्योर नहीं होगी और उनको हमेशा पानी मिलता रहेगा, हमेशा अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ज़्यादा समय तक ये कायनात ऐसे ही चलती रहेगी। ऑल राइट। वैसे पुष्कर जी, जैसे कि अगर हम पिछले कुछ समय को देखें तो पहले बड़ी रोक टोक होती थी, इवन स्कूल में और घर में माँ बाप और टीचर्स अक्सर कहते लाइट्स ऑफ करो, पानी का नल ऐसे ना खुला छोड़ो वगैरह वगैरह, मगर आज के टाइम में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैम, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे तो बढ़े हैं जी, सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो पीछे चली गई है। आज के समय में यह जागरूकता बहुत रेयर सिचुएशन में है, रेयर कंडीशन में है कि जो लोग इन चीज़ों के लिए जागरूक हों। और अगर आप सब्जी खरीदने जाओ तो सब्जी वाला आपको ज़बरदस्ती कैरी बैग देने की कोशिश करता है, जबकि आज के समय में पूर्णतया कैरी बैग बैन हो चुके हैं। लेकिन आप किसी भी सब्जी मंडी में, किसी भी फल की दुकान पर आप जाइए, आपको खुलेआम मिलेगी, लेकिन अवेलेबिलिटी है। सरकारी तौर पे तो बैन है लेकिन वास्तविकता में चालू है। और इसके पीछे जो हमारी अपनी सोच है वो जिम्मेवार है, जो प्रशासनिक लोग हैं वो प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, या उनके जो भी रीजंस हो जिनके कारण से आज के समय में बैन होने के बावजूद भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो हेल्थ हो गया, या जो आपने सामाजिक बातें बोली हैं कि ये चीज़ें आज की जनरेशन में नहीं है, उसके पीछे कारण है एजुकेशन सिस्टम का पूर्णतया चेंज होना। आज के समय में बच्चों को एम्फसाइज किया जाता है सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन पहले जो बच्चे होते थे जो स्कूल जाते थे वो वर्सेटाइल होते थे, उनको समाज साथ, शिक्षा साथ, नीति साथ, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी और हमारे एजुकेशन सिस्टम में होती थी। आज के समय में वो सब चीज़ें धीमे धीमे मॉडर्नाइजेशन के कारण कम होती जा रही हैं, और जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ख्याल से कुछ गलत है और इसके ऊपर बहुत ही सिंसेरिटी के साथ में सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, आई एम श्योर लोग इस बात पे भी ध्यान देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। ऑफिस हो या घर, अपना काम समय से पूरा करने की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, इसीलिए आप और आपके हाथों की सुरक्षा के लिए एप्लॉम्ब लाया है ISO प्रोफाइल अल्कोहल बेस्ड एडवांस्ड सैंड प्लस हैंड सैनिटाइजर, जो आपको बीमारी फैलाने वाले वायरस से बचाए। एप्लॉम्ब हेल्थ केयर, क्रिएटिंग हेल्थी टुमारो, विजिट www.myeplomb.com और डाउनलोड एप्लॉम्ब मोबाइल ऐप। चालू है संडे सुपरस्टार, मेरे यानी श्रुति के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, और आज हमारे सुपरस्टार गेस्ट हैं मिस्टर पुष्कर मिश्रा, एमडी एप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड। तो सर, अंत में जाते जाते आप रेड एफएम के लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मैं सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि आज के समय में हेल्थ जी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूथ बिजी है पैसा कमाने में जी, जब तक एनर्जी है, शरीर में जान है, ताकत है, तब तक वो पैसा कमा रहा है, लेकिन वही कमाए हुए पैसे को
उसी शरीर पे लगाना अकलमंदी नहीं है। इसलिए यदि आप कोई भी काम करते हो, करो, बेशक करो, और अपनी जो भी मैक्सिमम आप आपकी लाइफ में अचीव करना चाहते हो बेशक करो और ज़रूर करो, लेकिन एटलीस्ट एक घंटे अपने शरीर को दो और कोशिश करो कि एक्सरसाइज करो या जो वर्ड्स एवर अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हो करो। अवॉइड करो पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड और फास्ट फूड। साथ ही साथ में जितना संभव हो सके ऑर्गेनिक पे जाओ, नेचुरल पे जाओ। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, और साथ में समाज के लिए एक जिम्मेवार नागरिक जरूर बनो। आपकी जिम्मेवारी केवल आपकी खुशी केवल आप तक नहीं है, आपकी खुशी के कारण वो लोग भी खुश रहें जो आपको नहीं जानते। कुछ ऐसा करो, लेकिन देश को तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन असली आज़ादी तो तब देश को मिलेगी जब इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, साथ ही साथ में नॉइस पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी, एयर पोल्यूशन से मुक्ति मिलेगी, स्वच्छ नदियां होंगी, वाटर पोल्यूशन हमारे देश में नहीं होगा। तो हमारे देश के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा इस आज़ादी के मौके पे कि कृपया एक जिम्मेवार नागरिक होने का दायित्व तो पूरा करें और अपने और अपनों के लिए यह काम जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट रेड एफएम फॉर गिविंग मी अगेन अ चांस। मैं हृदय से पूरी रेड एफएम टीम का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आने के लिए एक बार दिल से आपका शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। चलो भाई, अब मेरे यहाँ से जाने का समय हो चुका है। आप मुझे सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं RJ श्रुति रेड एफएम से। Red FM बजाते रहो। Aplomb Healthcare, creating healthy tomorrow. Visit www.myaplomb.com or download Aplomb mobile app.